तू अजीब है यार, और तेरे सपने भी अजीब है। आज के टाइम में ऐसा कौन करता है, और वो भी अपने बॉस की दुकान के लिए, जिनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। अरे अंकल, अरे क्या हो गया अंकल, गिर कैसे गए आप? क्या हुआ? ये दुकान मेरे भाई ने ली है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे काम शुरू करने वाला हूँ, इसलिए तो हाथी बाजार के चक्कर लगा रहा था मैं। अरे आइए आइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ, आइए आराम से। अरे अगर लक साथ दे तो खोटा सिक्का भी चल जाता है। देखो क्या फोटो भेजी हूँ पार सतवीर ने। अरे मुझे क्या पता था कि विक्रम के हाथ तो ही जगत सेठ पीएचडी की किस्मत खुलने वाली है। ससुरे ने जाके कन्नू से दोस्ती भी कर ली, अब तो सारी इन्फॉर्मेशन मिली ही मिली समझो। मारी जीत तो इब पक्की समझो। अब देखना यो गल्ला हम रोज भरेंगे। मशीन में ऑयलिंग कर दी है, इब काटेलाल एंड सन्स चलेगी नहीं दौड़ेगी। ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे बाप की दुकान है, सारा गल्ला तुम्हारे घर जाना है। नहीं हेलो, अरे सुना है काटेलाल एंड सन्स में दो नए लड़कों ने ज्वाइन की है, उनके काम की बहुत तारीफ सुन रहा हूँ। वो तो इसलिए क्योंकि वो है ही तारीफ के काबिल। अब हेड मसाज, हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग सब कुछ कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर मुकाबला हो जाए ना तो धर्मपाल जी को भी फेल कर देंगे। तू चुप कर इधर से। हेलो भाई, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, चल के आ ना पाऊंगा, यही घर आके कटिंग कर सकते हो। अरे अंकल जी, हम तो काम करना चाहते है, आप कल 5 बजे का अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर एड्रेस लिख ले। हाँ जी, राम गोपाल चौक से होते हुए गुप्ता चाट भंडार से राइट ले लेना। हाँ जी, 26 रूपनगर डेयरी वाली गली। अरे अंकल जी, इस गली से तो आना जाना है मेरा, बताइए। पांच बजे का टाइम ठीक रहेगा ना? आ जाना। यो गली क्यों हो गया? ये तो बाबूजी का पता है, ये तो बाबूजी का पता है। गुफा से बाहर ना आया, हम खुद गुफा के अंदर चले गए। ओह माय गॉड, अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता दीदी। भैया, आई मीन भैया, कोई नहीं बचा सकता। समझो केम खल्ला फिनिश। कुत्तू सेठ ने हमें बस दया करके नौकरी दी है। कुत्तू की दया ममता तो अभी निकालता। तू पहले ये बता, वो तेरा भाई सच्चू? सत्तू। सत्तू कहाँ है? जब मैंने दोनों को हाजिर रहने को कहा था तो एक का गायब हो गया। ऐसे चल रही है काटेलाल एंड सन्स? कस्टमर दो को आवाज लगाए और गिरते पड़ते एक पेस हो जाए। वो ताऊ जी, एक मिनट, तेरी सकल जानी पहचानी लग रही मैंने। Thank you.
करके बड़ा बच पाएंगे। तुम रामेश्वर के छोरे हो ना? पापा भी रामेश्वर के छोरों से तो मिलना पड़ेगा। सुशीला एक बार को ना आती ना तो चल जाता। ये करीमा कहाँ रहेगी? भाई साहब के सामने ना उसी का दिमाग चलता है कैंची की तरह। वही मेरे पुत्तों को बचा सकती थी। बेटे किसी के भी हो तुम, आज तो हनुमान जी भी ना बचा सकेंगे इन्हें। उनको भी 125 रुपए का प्रसाद चढ़ा के मैंने अपने साइड कर लिया है। तुम तो बस इस बात का शुक्र मनाओ मेरा हाथ कामना कर रहा है, नहीं तो तुम्हारा आज वो हाल करता नानी याद आ जाती तुम्हारी। अरे छोरियों की तरह उसके पीछे के छुप रहा है, उसका तो खुद का खतरे का सायरन बज चुका है। इसके पहले मैं कुछ करूं, मैंने एक बात बता दे, ये सत्तू कहां है? अरे वो फिटकरी कहां रह गया? उसको भी तो कही थी मैंने हाजिर रहने को। वो पापा जी आपके फटकार के डर से ना वो फिटकरी को लूज मोशन शुरू हो गए तो अस्पताल गया है। वो सत्तू भी उसके साथ ही उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। ना ये बात गूगल पे प्रसारित हो रही के तने कैसे पता चली? वो मैं प्रे मैंने कितनी बार तुझे और तेरी बहन को समझाया था कि काटेलाल एंड सन्स के मामलों से 2 फीट की दूरी बना के रखा करो। पापा जी मैं तो बस यूं कह रहा हूं। एक शब्द भी बोलने की जरूरत ना है। ये मेरे और इन लड़कों के बीच का मामला है। तू नाक की सीध में सीधे अपने कमरे की तरफ ओढ़े जा। और तेरा फ्रेंड अंदर पधारोगे कि इसके पैर मारने के लिए कलश मंगवाऊं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।